2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के चलते ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। दावा है कि इस व्यक्ति ने ईवीएम को तोड़ दिया। कई यूजर्स ने ये वीडियो पहले चरण के मतदान के दिन का बताते हुए शेयर किया। ऑल्ट न्यूज ने कथित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जब जांच की तो पाया कि इस वीडियो का हाल के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो के बारे में सर्च करते हुए हमें 2023 की ये खबर मिली। इसमें बताया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 10 मई 2023 को चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति ने ईवीएम को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद इसे गिरफ्तार भी किया गया था। आर्टिकल में कथित व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय शिवमूर्ति के रूप में की गई है। बाद में पुलिस की पूछताछ में सामने आया था कि शिवमूर्ति मानसिक रूप से बीमार था और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। यानी 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ईवीएम तोड़ने की घटना का वीडियो हाल के लोकसभा चुनाव से जोड़कर शेयर किया गया।